तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोनित एसएसएससी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं पांच जो यूनिवर्सिटी हमारी होने वाली है, और 2, 4, 6, 8 और लगभग 10 के करीब आपके लिए अपडेट हैं। तो फ्रेंड्स, क्या कुछ अपडेट है आज सुबह की, आज की जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो रेडी हो गई है। सुबह 9 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं क्या कुछ है आज की हमारी इस वीडियो में। तो हमारी पांच यूनिवर्सिटी हम लेने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे IGU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, MDU, KUK, CDLU, CRSU। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम IGU के जो स्टूडेंट हैं उनके डाउट्स हैं उनके डाउट को क्लियर कर देते हैं। फिर हम बात करेंगे आपके जो भी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होने वाली है, जिस जिस यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके अपडेट आई है, वो सभी अपडेट की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं IGU के स्टूडेंट्स की। IGU के जो स्टूडेंट्स थे उनका डाउट्स था कि जो सर हमारे जो एडमिट कार्ड आने हैं, जो भी IGU के जो एग्जाम होने हैं, IGU के UG और PG के एग्जाम होने हैं, IGU UG PG सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर, जो PG के स्टूडेंट्स थे उनका डाउट था। PG के जो स्टूडेंट्स थे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर और उससे जुड़े हुए कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए कि जो एडमिट कार्ड है वो कब मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि शायद कल आपको जो अपना एडमिट कार्ड है, आप जो है रेगुलर रूप से स्टडी कर रहे हैं और रेगुलर स्टूडेंट है, तो आप अपना एडमिट कार्ड है कल जाकर अपने कॉलेज में ले सकते हैं, अपने एग्जाम सेंटर में जाकर ले सकते हैं जहां पर आपके एग्जाम होने हैं। शायद कल आपको जो एडमिट कार्ड होने हैं, जो आपका रोल नंबर स्लिप होना है, वो आपको कल जो कॉलेज में मिल जाएगी। अब ये कॉलेज पे डिपेंड है कि वो स्टूडेंट्स को कब देता है। कॉलेज में आपके एडमिट कार्ड कल पहुंच जाएंगे जो भी स्टूडेंट है उनके, और जो रीअपेयर के स्टूडेंट हैं उनके एडमिट कार्ड कैसे निकाले वो नीचे मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। रीअपेयर के स्टूडेंट सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के जिनके एग्जाम होने हैं, अब जिनके एग्जाम शुरू होने वाले हैं नेक्स्ट हफ्ते। वो अब बात करते हैं अपनी अपडेट की, क्या कुछ अपडेट है, किस यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या अपडेट है। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की तरफ से दो डेट शीट जारी हुई हैं, यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। एक डेट शीट है MSc सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर की, और दूसरी हमारी डेट शीट है यहाँ पर BTech सिक्स सेमेस्टर की। दो डेट शीट जारी हुई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी BTech सेकेंड एंड एट सेमेस्टर और थ्योरी डेट शीट MSc बायोटेक्नोलॉजी सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर। तो ये गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की अपडेट थी। कैसे डेट शीट डाउनलोड करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके साथ यही जो इंटरफेस है जो मेरे सामने खुला हुआ है यही खुलेगा, और आपको सिंपली इन लिंक पर क्लिक करना है जो आपको डेट शीट डाउनलोड करनी है वो। और नेक्स्ट अपडेट की बात करें, नेक्स्ट अपडेट है हमारी CDLU की तरफ से, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। CDLU की तरफ से क्या कुछ अपडेट है, ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है, क्विक लिंक दिया गया है यहाँ पर, रिवाइज डेट शीट UG PG UC DL और PhD जुलाई 2021 में आपके एग्जाम होने हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स के एग्जाम होने हैं वो अपनी डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने CDLU स्टूडेंट्स के लिए भी, तो वो अपने लिंक पर क्लिक करेंगे, ये इंटरफेस उनके पास ओपन होगा, सिंपली क्लिक पर क्लिक करेंगे, क्विक लिंक दिया गया है यहाँ पर क्लिक करेंगे और उनके सामने अपनी डेट शीट है वो डाउनलोड हो जाएगी। बात करें नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट अपडेट किस यूनिवर्सिटी से है, नेक्स्ट अपडेट हमारी होने वाली है CRSU, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी। CRSU की तरफ से क्या अपडेट है, तो CRSU की तरफ से फाइनल डेट शीट जारी की गई है, कल शाम को डेट शीट जारी की गई है, 22 तारीख को फाइनल डेट शीट आई है आपकी। सेकेंड एंड फोर्थ PG कोर्सेज रनिंग इन एफिडेविट कॉलेजेस अगस्त 2021 में आपके एग्जाम होंगे, यानी आपके जो एग्जाम होने हैं सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर PG कोर्स के, वो आपके अगस्त में होंगे। और एक डेट शीट ये आई है सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के जो UTD के जो आपके हैं रनिंग कोर्स फॉर UTD अगस्त में ही आपके एग्जाम होंगे। डेट शीट कैसे डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ये इंटरफेस आपके पास ओपन होगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, जो भी डेट शीट आपको डाउनलोड करनी है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी अपडेट थी CRSU की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट हमारी होने वाली है, नेक्स्ट अपडेट भी हमारी CRSU की तरफ से है। CRSU की तरफ से नेक्स्ट अपडेट क्या है, तो यहां पर आपको जो भी आपको डाउनलोड करना है, क्विक लिंक दिए गए हैं, आपको नोटिस वगैरह जो भी यहां पर आपको डाउनलोड करना है तो वो यहां से आप कर सकते हैं। हमारी यहाँ पर आपको जो UGPG के जो एग्जाम होने हैं उसके एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए हैं, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपने यूनिवर्सिटी रोल नंबर या फिर क्लास रोल नंबर पता होना चाहिए, क्लास रोल नंबर वो जो आपके कॉलेज में चलते हैं और यूनिवर्सिटी रोल नंबर वो जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है वो। तो ये हमारी अपडेट थी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें, नेक्स्ट अपडेट है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से, KUK की तरफ से आपकी क्या कुछ अपडेट है, तो आपके रिजल्ट जारी किए गए हैं 22 तारीख को, कल शाम को आपके रिजल्ट जारी किए गए हैं। कौन कौन सा आपका रिजल्ट आया है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा MSc इंजीनियर फिजिक्स
फाइव ईयर का जो आपका कोर्स है वो, उसके बाद बीएससी का फिफ्थ सेमेस्टर का, उसके बाद आपके एडवांस डिप्लोमा इन वोकन का आपका थर्ड सेमेस्टर का, उसके बाद आपका बीएससी फैशन डिजाइनिंग का जो आपका रिजल्ट है वो जारी किया गया है, और साथ ही आपका बीसीए थर्ड सेमेस्टर का डिटेल डिक्लेयर दिसंबर 2022 का। तो मैंने ये लिंक भी नीचे दे दिया है, सिंपली आपको जो रिजल्ट देखना है उस पर क्लिक करना है आपको, और अपना रिजल्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है हमारी, नेक्स्ट अपडेट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से आपकी डेट शीट जारी हुई है। कौन कौन सी आपकी डेट शीट जारी हुई है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, आपकी जो भी डेट शीट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, पीजीडीई की, एमए इन्वायरमेंट एजुकेशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कोर्कुलिज्म, उसके बाद आपको देखने को मिलेगी एमए की डेट शीट आपकी, फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट के जो आपके एक्सपोर्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोर्स है पीजीडीई एमएम का उसका, उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपको देखने को मिलेगा सीसीए का, उसके बाद आपकी डेट शीट जारी हुई है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पार्ट सेकंड का, उसके बाद पीजी डिप्लोमा साइबर लॉ एंड आईपीआर का आपका जो डेट शीट है वो डेट शीट जारी हुई है, उसके बाद पीजी डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिसिस की डेट शीट जारी हुई है, पीजी डिप्लोमा इन टैक्स टैक्स का जो आपका कोर्स होता है टैक्स टेन उसका डेट शीट जारी हुई है, उसके बाद पीजी डिप्लोमा ह्यूमन राइट्स की आपकी डेट शीट जारी हुई है, उसके बाद डिप्लोमा इन योगा डिप्लोमा इन गीता ये आपकी डेट शीट जारी हुई है 22 तारीख को, और इसके अलावा भी आपकी डेट शीट आई है, इसके अलावा आपकी डेट शीट जारी हुई है बीएड स्पेशल एजुकेशन के जो कोर्स है उनकी सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर की आपकी डेट शीट है वो जारी हुई है, आपके एग्जाम अगस्त से शुरू हो जाएंगे, जो बीएड स्पेशल एजुकेशन के जो कोर्स है आपका उसकी डेट शीट जारी हो गई है। इसी के साथ आपकी डेट शीट जारी हुई है बीए बीएड की आपकी डेट शीट जारी हुई है, बीएससी बीएड फिफ्थ सेमेस्टर की आपकी डेट शीट जारी हुई है, डेट शीट जारी हुई है आपकी बीए बीएड बीएड फोर्थ सेमेस्टर की, उसके बाद आपकी डेट शीट यहाँ पर देखने को मिलेगी बीए बीएड बीएससी बीएड सेकंड सेमेस्टर की आपकी यहाँ पर डेट शीट आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपकी डेट शीट आपकी बीकॉम सिक्स सेमेस्टर की, बीसीए सेकंड सेमेस्टर की, ओल्ड की थ्योरी एग्जाम की आपकी डेट शीट ये है, उसके बाद लास्ट डेट शीट आपकी है बीए पार्ट थर्ड एनुअल सेमेस्टर थ्योरी एग्जाम की। तो ये आपकी डेट शीट थी सी केयूके की तरफ से, ये लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है। इसके बाद बात करेंगे एमडीयू की, एमडीयू की तरफ से क्या कुछ अपडेट है आपके लिए, तो एमडीयू की तरफ से आपके लिए अपडेट है कि एमडीयू की जो डेट शीट है थ्योरी डेट शीट जारी हुई है आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा, बीए बीएड बीएससी बीएड एट सेमेस्टर की आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, थ्योरी डेट शीट आपकी यहाँ पर जारी हुई है आप वो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो ये थ्योरी डेट शीट है एनुअल एग्जाम की है आपकी, प्रांजना का जो कोर्स है आपका, उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी रिवाइज्ड थ्योरी डेट शीट बीबीए एलएलबी सेकंड फोर्थ एंड सिक्स्थ एंड टेंथ सेमेस्टर की आपकी रीअपीयर इंप्रूवमेंट की जारी हुई है, और नाइन्थ सेमेस्टर की ओनली रीअपीयर और इंप्रूवमेंट की जारी हुई है। तो ये तीन डेट शीट थी आपके लिए। नेक्स्ट अपडेट की बात करें, नेक्स्ट अपडेट आपकी क्या है, नेक्स्ट अपडेट आपकी एमडीयू की तरफ से है, एमडीयू की तरफ से आपकी नेक्स्ट अपडेट क्या है, तो वो आपका जो भी आपकी अपडेट है ये यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन नोटिस देखने को मिलेगा। एग्जाम नोटिस किसके रिगार्डिंग है, तो नोटिफिकेशन ये आपका दिया गया है, सिंपली बताया गया नोटिफिकेशन सेकंड 22 तारीख को आपको ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। क्या कुछ नोटिफिकेशन में उसकी बात कर लेते हैं, फिर वीडियो क्लोज करेंगे। तो नोटिफिकेशन में क्या है उसको देखने के लिए हमको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, मैंने डाउनलोडिंग पर क्लिक कर दिया है। क्या कुछ नोटिफिकेशन में, नेट थोड़ा स्लो है, सुबह के टाइम भी नेट स्लो दिख रहा है। तो फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है, क्या कुछ अपडेट है उसकी हम बात कर लेते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाता है। तो फिलहाल तो अपडेट इस वीडियो में इतनी थी, बस ये नोटिस ओपन करके देख लेते हैं क्या कुछ नोटिस में है, उसके बाद अपनी वीडियो है क्लोज करेंगे। आगे आने वाली अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, बस ये नोटिफिकेशन की बात करके वीडियो को जो क्लोज करते हैं। तो फ्रेंड्स नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है, क्या कुछ नोटिफिकेशन है आपके लिए, तो ये नोटिफिकेशन मैंने भी अभी तक नहीं देखा है। तो ये नोटिफिकेशन आपका है पीजी कोर्सेज के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यहाँ पर दिया गया है कि आपके कोर्सेज के जो भी पेपर होते हैं उनका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शेड्यूल क्या है, तो आपका शेड्यूल ये है एमएससी फोरेंसिक सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का आपका है, और एमए एजुकेशन फोर्थ सेमेस्टर का है। तो यहाँ पर प्रीवियस डेट में खाली छोड़ी गई है, और आपकी रिवाइज डेट आई है ये 29/7 से आपके एग्जाम होने हैं, 29/7 को 30/7 को, ये आपकी जो डेट शीट है वो जारी हुई है। तो जो भी एमएससी फोरेंसिक सेमेस्टर फोर्थ के स्टूडेंट हैं एमडीयू के, वो उनकी जो डेट है एग्जाम डेट वो आ गई है 29 तारीख से आपके एग्जाम होने हैं, और जो फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन के हैं उनकी डेट शीट यहाँ पर आ गई है, पेपर आईडी यहाँ पर दी गई है। तो फ्रेंड्स ये अपडेट थी आज के लिए आपकी, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।